कहते हैं कला एक जरिया है जिससे जीवन की कठोरताओं से विश्राम मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नंबर देख रहे सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाई थी जिसकी कला देखकर हर कोई वाह बोलने पर मजबूर हो जाए, और आप सभी दर्शकों ने वरुण टंडन जी के साथ खास बातचीत को बहुत प्यार दिया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे आर्टिस्ट के पास जिन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल कर, रंगों व अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर कैनवस पर इतनी खूबसूरती से ब्रश चलाया कि बस उन मनमोहक तस्वीरों को हर कोई एक तक देखता ही रहे। कहने को तो कल्पना की कोई सीमा नहीं, लेकिन कला के माध्यम से कैनवस पर उतार कर हम और आप जैसे दर्शकों तक पहुंचाना एक कलाकार का कार्य है। जी हाँ, कला का अर्थ मात्र रंगों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पेंटिंग्स और विजुअल आर्ट्स की अनेकों विधाओं में कलाकार के हाथों की छिपी वो खूबसूरत करामाते हैं जिसे देखकर आंखों में एक नई सी चमक आ जाती है। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आज हम आपको मिलवाएंगे प्रीत हांडा जी से। यूं तो कला की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो कि समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, और रीस जी के अनुसार कला क्या है? आर्ट एक ऐसी कला है जिससे हम अपने मन के इमोशंस को, आइडियाज़ को कैनवस पे उतार सकते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ पेंटर्स होते हैं, कुछ स्कल्पचर्स होते हैं, और कोई भी आर्टिस्ट अपने इमोशंस को, आइडियाज़ को अपने स्किल्स से उसको प्रेजेंट कर सकता है आर्ट को। और डिफरेंट जो आपकी इमोशंस होती हैं आप अपने कैनवस के ऊपर उसको उतार सकते हैं और लोगों को ये दिखा सकते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया मेरे ख्याल से आर्ट है, और बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आर्ट से मुतालिक जो भी चीज़ें हम अपने मन की फीलिंग्स को जो दिखाते हैं उसको, जो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको समझ पाते हैं। रीस जी ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जिसमें उन्होंने ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल किया और अपनी कला का प्रदर्शन बाखूबी किया, जिन्हें देखकर वाकई नहीं लगता कि कैनवस पर ब्रश चलाया गया हो। मुझे पर्सनली जो है ऑयल पेंट्स मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। आजकल काफ़ी कलर्स मीडियम आ गए हैं, जैसे एक्रेलिक कलर्स हैं, पोस्टर कलर्स हैं, या वाटर कलर्स होते हैं। तो लेकिन पर्सनली मुझे जो अट्रैक्ट हमेशा किया है वो ऑयल कलर्स में ही मुझे लगता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से दर्शा सकती हूँ, और जो उसमें प्रॉपर इफ़ेक्ट्स हैं ऑयल मीडियम में ही मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं कि उसके थ्रू आप अपनी सारी फीलिंग्स कलर्स के अंदर डाल सकते हो और वो मतलब अच्छे से आप शो कर सकते हो विजिटर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, या अपने एक मन की सेटिस्फेक्शन है आपके लिए कि आप जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो वो इन कलर्स के थ्रू वो प्रॉपर शो हो गई है कैनवास के ऊपर। यदि नारी शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है, कितना गहरा सत्य है यदि कोई समझे तो। ऐसा कोई कार्य नहीं जो एक नारी ना कर सके। इस पुरुष प्रधान समाज में औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में संपूर्णतः समर्थ है, बस आवश्यकता है तो केवल उन्हें एक अवसर देने की। यदि उन्हें एक मौका मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकती? By God grace की बिफोर मैरिज आई एम मैरिड वुमन, एंड बिफोर मैरिज पेरेंट्स ऐसे ईश्वर की कृपा से मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और कभी किसी काम को करने के लिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया। और जब उनको लगा कि मेरा आर्ट में इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और जो मैं करना चाहती थी उस लेवल तक उन्होंने मुझे आगे हमेशा सपोर्ट किया है। और आफ्टर मैरिज भी मेरे इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरे हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने भी मुझे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन के लिए और हमेशा इनक्रेज किया है, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं, मुझे लगता है कि मैं इस मुकाम तक हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ इस लेवल तक तो जो भी, मैं ये कहूँगी कि जो भी लेडीज़ करना चाहती हैं अपने दम पर, कुछ दिखाना चाहते हैं लोगों को, अपना वर्क शो करना चाहते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो बाकी लोग भी इस चीज़ को कर सकते हैं इजीली। कला किसी दायरे में सीमित नहीं, बल्कि ये तो बहुत व्यापक विषय है, बहुत विशाल है। आजकल की अस्त व्यस्त और भाग दौड़ भरी जिंदगी में कला ही तो एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने जीवन के तनाव से निजात पा सकते हैं। स्ट्रेसफुल आजकल की जो लाइफ है उससे निकलने के लिए मुझे लगता है कि आर्ट एक बेहतरीन जरिया है जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो और कुछ देर
स्ट्रेस फ्री रह सकते हो आप, बिकॉज हर वक्त टेंशन में रहना या ज़िंदगी की हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे निकलने का एक आर्ट एक बेहतरीन ज़रिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कुछ लोग आर्ट में पेंटिंग के ज़रिए अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, कुछ डांस के ज़रिए, कुछ म्यूज़िक के ज़रिए, और मुझे लगता है कि म्यूज़िक और पेंटिंग जो है बेहतरीन एक ज़रिया है आर्ट को मतलब दर्शाने का अपना और स्ट्रेस फ्री रहने का। रेस जी ने अपनी पेंटिंग में यूरोपियन और इंडियन आर्ट को फिगर्स के रूप में बड़े ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया है, जिसमें उन्होंने साई बाबा, गणेश जी और भगवान कृष्ण सहित अनेकों सुंदर पेंटिंग्स तैयार की हैं। और इनकी खासियत क्या है, आप खुद ही देखिए। मैंने ज़्यादातर फिगर्स में काम किया है और यूरोपियन एंड इंडियन दोनों में काम किया है, जिसमें से राजस्थानी इंडियन में से एक मेरी लेटेस्ट पेंटिंग बनी हुई है, और साईं बाबा और गॉडेस हिंदुइज़्म के जितने भी हैं वो मैंने ऑलमोस्ट पेंट किए हैं, और अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है कि गॉडेस के किसी भी ईश्वर के जो फेस के ऊपर शांति होती है उसको रिप्रेजेंट करूँ मैं अच्छे से। और यूरोपियन पेंटिंग्स में भी फिगर्स में फोल्ड्स, कपड़ों के फोल्ड्स को दिखाना, उनके ट्रांसपेरेंसी कपड़ों की और फीचर्स उनके, तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी पेंटिंग्स में शो की हैं जो लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और लोगों की तरफ से एक बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा मुझे यही मिलता है कि आपकी पेंटिंग में ब्रश हमें नज़र नहीं आता और वो एक प्रिंट के रूप में कैनवास पर उतरता दिखाई देता है हमें, तो ये एक बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जिससे आपको एक पेंटिंग के अंदर जो आप दिखाना चाहते हो अपने जो एक लाइफ है करेक्टर के, जो भी आप जैसे अब थिएटर आर्टिस्ट हैं वो अपने किसी भी करेक्टर को उसमें एक जान डालने की कोशिश करते हैं, तो वही एक मुझे लगता है कि एज अ पेंटर मुझे ये लगता है कि मेरा भी वही काम है कि जो भी मैं पेंट करती हूँ उसके अंदर एक लाइफ लेकर के आना, वो एक मुझे सबसे बड़ा ही अपनी जॉब लगती है। और ये चैलेंजिंग वर्क है मेरे लिए कि जो भी आप पेंट करते हो उसके अंदर एक लाइफ लेकर के आना और लोगों से वो एप्रिसिएशन मिलना कि आपके उस काम के अंदर लाइफ है, वो एक सिर्फ पेंट के रूप में नहीं है लेकिन उस चीज़ को एहसास करना। अगर कपड़ा है बना रहे हो आप तो कपड़े का ही आपको फील होना कि वह कपड़ा ही आपने बनाया है, वो सिर्फ एक पेंट के फॉर्म में नज़र नहीं आता, आपको प्रॉपर कपड़ा ही लगेगा। मेरे पास गणेश जी की एक पेंटिंग मतलब मैंने बनाई है, जो वो 5-6 पेंटिंग्स बन चुकी हैं जो कि 3D इफ़ेक्ट में हैं, और जैसे पुरानी केव्स के अंदर आपको मूर्तियां दिखती हैं तो वैसा कुछ इफ़ेक्ट इस पेंटिंग के अंदर, गणेश जी की पेंटिंग के अंदर दिखाने की कोशिश की है मैंने, और ये लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और ये कुछ पेंटिंग्स मैंने कलकत्ता भेजी हैं, फॉरेन भी भेजी हैं, और लोकल भी इसके कस्टमर मेरे पास आते हैं, काफ़ी इंक्वायरी रहती है ऐसे काम की। और जो लोग आर्ट लवर्स हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर या किसी भी पेंटिंग के अंदर कितनी मेहनत है, और वो लोग उस काम को पोस्टर की बजाय पेंटिंग के फॉर्म में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैंने कुछ पेंटिंग्स जो हैं इंडियन आर्मी को भी बना करके दी हैं, तो उनको भी मेरा काम काफ़ी पसंद आया, जो कि मैंने विद इन 1 month उनको पेंटिंग रेडी करके देनी थी और विद इन 1 month मैंने उनको एक काम दिया है अपना बना करके, जो कि उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। एक साईं बाबा की पेंटिंग है मेरी, और उसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर आप फ्रंट से साईं बाबा को देखते हैं तो वो सामने ही आपको देखते हुए नज़र आएंगे, अगर आप राइट या लेफ्ट साइड से देखते हैं तो उनकी आईज़ ऐसी मतलब क्रिएट हुई हैं कि वो जिस भी डायरेक्शन से आप देखते हो आप उनको उसी तरफ देखते नज़र आते हैं, तो ये सबसे बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट मिलती है मुझे। जो भी लोग साईं बाबा की पेंटिंग जिन्होंने भी बनवाई है मेरे से, तो वो ये इस चीज़ को मानते हैं और मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपके काम में पूरी लाइफ है और सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, एक एक्सप्रेशंस का जो प्रॉपर एक फील फेस पे जो होता है वो शो होता है। मैंने ये जो कृष्ण जी की पेंटिंग बनाई है, एक मैंने मूर्ति की फॉर्म में देखा था इनको पहले, सबसे पहले तो मेरे को ये मतलब इतना अच्छा अट्रैक्ट किया ये, और इसको मैंने
एक पेंटिंग के फॉर्म में फिर इसको दर्शाया, जैसे कि ब्रॉन्ज का इफेक्ट होता है वही मैंने इफेक्ट अपनी पेंटिंग के अंदर दिखाने की कोशिश की है। और कलर्स का रॉयल्टी और उसी जैसे ब्रॉन्ज का मैंने आपको बताया कि इफेक्ट है इस पेंटिंग के अंदर, तो वही ब्रॉन्ज का इफेक्ट मैंने इस पेंटिंग के अंदर देने की कोशिश की है और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ऊपर वाला हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा हो, वो नहीं जो हमें अच्छा लगता है। मुझे यही लगता है। और मैंने जो है 25 ईयर्स हो गए हैं मुझे पेंटिंग करते हुए, और शुरुआत में मुझे ये लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उस वक़्त सरकमस्टांसिस ऐसे थे, कुछ टेररिज्म काफ़ी था पंजाब में, तो इस वजह से वो कॉलेज काफ़ी दूर था, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा लगता था कि इतनी दूर हम कैसे भेजेंगे, तो इसलिए फिर धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो आर्ट की तरफ हो गया, और मुझे लगता था कि अब मुझे इसी फील्ड में रहना है, और इतना इंटरेस्ट बढ़ गया तो मेरा काम लोगों को पसंद आने लगा, धीरे धीरे मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे, लोगों की अप्रिसिएशन मिलने लगी, काम मिलने लगा, तो उसकी वजह से मुझे फिर और इंटरेस्ट हो गया, और पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को जैसे पेरेंट्स मोबाइल या टैब ले देते हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक आर्ट या कोई भी आपके अंदर कोई भी एक हुनर ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को या बच्चों को अपना जो स्ट्रेस फ्री रहने की थोड़ी देर आदत ज़रूर रहनी चाहिए, जिससे वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें, और अपने जो आजकल स्टडीज़ का इतना बर्डन है बच्चों के ऊपर, तो वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक फ़ोन की गेम्स से या कंप्यूटर पे बैठने से एक वो चीज़ें नहीं निकलती स्ट्रेस, बल्कि और बढ़ता है गेम्स से, कि जैसे बच्चों को ये हो जाता है कि हमने ये लेवल कंप्लीट करना है, नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करना है, लेकिन एक आर्ट कोई भी अगर आपके अंदर हुनर है, म्यूज़िक का आर्ट है या म्यूज़िक से रिलेटेड आर्ट है या पेंटिंग्स का आर्ट है आपके अंदर, कुछ भी अगर आप दिखाना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों के ज़रिए बच्चे स्ट्रेस फ्री अपना लाइफ बिता सकते हैं अच्छे से। तो आज के इस खास मुलाकात में आप रूबरू हुए रीत हांडा जी के साथ, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से कई खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार की और अपनी अनोखी प्रतिभा के जरिए कईयों को वाह बोलने पर मजबूर कर दिया। रीत जी के इसी हुनर ने उन्हें आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों, हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है, जो आपके स्वयं के जीवन का आधार भी बनता है और समय आने पर आहार भी। साइड बाय साइड मेरा ऑर्डर्स का काम और मेरा अपना काम चलता है, जो मैं कंटिन्यू रखती हूँ उसको, और जब भी जैसे मुझे भी अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से टाइम निकलता है मेरे को, तो मैं अपना पेंटिंग पे टाइम डिवोट करती हूँ वो सारा, और बजाय कि अपने टाइम को वेस्ट करें लेडीज़, तो वो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा हुनर होना चाहिए अंदर जो आप अपने टाइम को एक बेहतरीन अच्छे से यूटिलाइज कर सको। आप अपकमिंग जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे के ऊपर आजकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, कभी भी कभी किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चा किसी भी लेन में जाना चाहता है, तो पेरेंट्स को उसको उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको डॉक्टर की तरफ ही इसी लाइन में आपको भेजना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर, जो वो चीज़ करना चाहते हैं वो करना चाहिए उनको। और अगर आर्ट से रिलेटेड अगर बच्चे का इंटरेस्ट है आर्ट में, तो मुझे लगता है कि इस लाइन में भी काफ़ी स्कोप है आगे जाने का, और जिससे आप अपनी फीलिंग्स को शो कर सकते हो, एक शौक के साथ साथ आपका एक अच्छा प्रोफेशन भी बन सकता है, कि जिससे आप आपको प्रोफेशनली आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हो सोसाइटी में, और अपने एक शौक भी पूरा कर सकते हो, प्रोफेशन भी आपका बन सकता है, और हर चीज़ को आप अपने ज़रिए से अपनी इमोशंस को फीलिंग्स को उसके ज़रिए आप दिखा सकते हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि रंगों में वह जादू है जो भीगने वाले, रंगने वाले और देखने वाले तीनों के मन को भाविभोर कर देता है। तो हम आपको ऐसी प्रसिद्ध शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड स्टे ट्यून्ड विद न्यूज़ नंबर।